नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेकी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विकल्प दीक्षित और ये वीडियो इतनी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए थे। मैं आप सबसे इसके लिए माफी मांगता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। ग्राफिक कार्ड्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राफिक कार्ड्स कैसे काम करते हैं, आप एक कैसे अच्छा ग्राफिक कार्ड अपने कंप्यूटर के लिए चूज कर सकते हैं और वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज की आप ग्राफिक कार्ड्स को कहाँ कहाँ और जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफिक कार्ड्स काम कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप बगल वाली इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, आपको इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर ज्योमेट्रीज दिख रही होंगी, सुंदर सुंदर ग्राफिकल इमेजेस दिख रही होंगी। ये ग्राफिकल इमेजेस बगल में दिख रही वीडियो, जो आपको बगल में फोटो दिख रही है, इस फोटो में देख रहे हैं पॉलीगन है बहुत सारे, और पॉलीगन को मिला के हमने एक फिगर बनाया है। ये पूरी की पूरी ग्राफिकल इमेज भी पॉलीगन को मिला के ही बनी है या फिर लाइन्स को मिला के बनी है। और ये सारी लाइन्स एक्चुअली सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिलने वाला आउटकम या फिर आंसर होता है। तो क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को प्रोसेस करता है तो वो सिर्फ ये बताता है कि ये लाइन यहाँ जाएगी या फिर ये डॉट यहाँ जाएगा और यहाँ से हमें लाइन खींचनी है या फिर यहाँ पे हमें टेक्सचर रखना है। तो क्या रहता है, जैसे कि हमारा सीपीयू है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेता है। हमारा सीपीयू इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कामों के लिए बना होता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स तो उसका बहुत ही छोटा पार्ट है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्यों ना हम सिर्फ सीपीयू यूज करें, जीपीयू की जरूरत ही क्या है जब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है और ये तो बहुत इजी है। एक्चुअली ये एक मोमेंट पे, जैसे कि अभी ग्राफिकल इमेज देख रहे हैं, एक मोमेंट पे ऐसी 1000 से 1500 प्रॉब्लम्स हमारे 4 कोर के सीपीयू में आती है। अब सोचिए, 4 कोर का वो सीपीयू वो 4 कोर 1000 प्रॉब्लम्स को एक मोमेंट पे उतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यही पे बात आती है जीपीयू की। जीपीयू में स्पेसिफिकली 1000 से 1500, यहाँ तक कि 2000 कोर्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे 2000 कोर्स होते हैं जो हर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, हर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को एट द मोमेंट सॉल्व करते हैं। ऐसे में आपको मिलती है बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग। और जो आपका जीपीयू रहता है, इसका हर एक सेपरेट कोर की जो कैपेबिलिटी होती है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो सीपीयू के कोर के बराबर ही होती है, एफिशियंसी बराबर ही होती है, पर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम जीपीयू अगर इतना तेज है, 1000 कोर्स का है, तो उसको सीपीयू की जगह लगा दें, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीपीयू की कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और जीपीयू ये कर ही नहीं सकता। और जो दूसरा ड्रॉबैक है या फिर जो दूसरी लिमिट है कि हम जीपीयू नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमारा सीपीयू रहता है वो सीरियल और पैरेलल दोनों इनपुट्स लेता है और आउटपुट देता है, पर हमारा जीपीयू सिर्फ पैरेलल आउटपुट देता है। सीरियल और पैरेलल के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब आप ये जान चुके हैं कि हमारा जीपीयू काम कैसे करता है, मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। असल में जीपीयू में बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो कि 1000 से 1500 के बीच में हो सकते हैं। एनवीडिया कंपनी ने अपनी इस कोर टेक्नोलॉजी को क्यूडा नाम दिया है या फिर सीयूडी, आप बगल में देख पा रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे कोर्स बहुत सारे आने वाली ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करते हैं और अपन को बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट देते हैं कंपैरिजन में सीपीयू के। इसके बाद बात आ जाती है कि आप कैसे चूज करें कि आप कौन सा जीपीयू या फिर ग्राफिक कार्ड लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ नेटवर्क नेट पे काम करते हैं या फिर ऑनलाइन काम करते हैं या फिर सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ग्राफिक कार्ड्स की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग और नेट सर्फिंग में ग्राफिक कार्ड्स का कोई यूज नहीं होता है। सिंपल आपको सिर्फ GUI ड्रॉ करना रहता है, जो कि सीपीयू बहुत अच्छे से कर लेता है। आप एक अच्छा सा सीपीयू लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है उन लोगों की जिनको सिर्फ वीडियोस देखनी है HD क्वालिटी में अपने कंप्यूटर पे और उनका सीपीयू ये लोड नहीं उठा पाता है। उन लोगों के लिए एनवीडिया की GT सीरीज या फिर एनवीडिया के वो ग्राफिक कार्ड्स जिनके मॉडल नंबर के आगे सिर्फ GT लिखा रहता है और उसके आगे इनका कोई नंबर होता है, वो बेस्ट होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बगल में देख पा रहे होंगे GT 630, GT 710, GT 640, ऐसे करके बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स हैं। ये सारे के सारे ग्राफिक कार्ड्स अंडर 5000 होते हैं, ये बहुत सस्ते ग्राफिक कार्ड्स होते हैं और गेमर्स इन ग्राफिक कार्ड से दूर रहिएगा। मैं एक बार फंस चुका हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बकवास ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। कंपनियां आपको बोलेंगे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर असल में कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ HDTZ ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, ये सिर्फ वीडियो रेंडरिंग के काम आते हैं और किसी काम नहीं आते हैं। इसके बाद बात आ जाती है मॉडरेट गेमर्स के लिए या फिर हल्के से हाई गेमर्स के लिए। तो मॉडरेट गेमर्स, अगर आप इंडिया में रहते हैं, और ऑब्वियसली बात है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इंडिया में रहते होंगे, तो उनके लिए बेस्ट ग्राफिक कार्ड इस समय मार्केट में है GTX 750 Ti। ये ग्राफिक कार्ड बहुत पहले आया था, लगभग 2011 से 2013 के बीच में लॉन्च हुआ था ये ग्राफिक कार्ड। 2011 नहीं, 2015 तक ये लॉन्च हुआ था शायद से ग्राफिक कार्ड, पर ये ग्राफिक कार्ड इंडिया में आज तक का बेचा जाने वाला सबसे ज्यादा ग्राफिक कार्ड है। उल्टा अमेजोन ने इसको सबसे ज्यादा बिका हुआ ग्राफिक कार्ड बोला है 2016 में। इसीलिए अगर आपको मॉडरेट से लेकर हाई गेमिंग करनी है और जो बहुत ज्यादा हाई जो हाई ग्राफिक्स वाले टाइटल्स हैं, अगर आप उनको लो सेटिंग्स पे भी खेलना चाहते हैं पर लो सेटिंग्स पे, तो GTX 750 Ti से अच्छा ग्राफिक कार्ड कोई नहीं होगा।
पूरे इंडिया में ये 6,000 से लेकर 9,000 के बीच में आता है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स इसको अलग अलग प्राइसेस के रेंज में बेच सकते हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, सारे अच्छे होते हैं। एक और अच्छा ग्राफिक कार्ड जो बजट रेंज में आता है वो जो है GTX 1050 या फिर GTX 1050। GTX 1050 भी 10,000 से 15,000 के बीच में आता है। ये भी एक बजट रेंज ही मानी जाती है गेमिंग के लिए। तो अगर आपको थोड़ी GTX 1050 Ti से अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और एक नया ग्राफिक कार्ड उठाना है तो इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड कोई नहीं होगा। इसका कोई Ti वर्जन भी शायद से आया था, उसके बारे में आपको डिटेल दिख जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हाई एंड गेमर्स के लिए। हाई एंड गेमर्स आपके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक्चुअली हाई एंड गेमर्स के लिए स्काई इज द लिमिट, आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं। जैसे कि एनवीडिया के 1080 एनवीडिया का शायद से एंटरप्राइज एडिशन ग्राफिक कार्ड है। ये 1080 जो GTX 1080 है, GTX सीरीज जहां पे GTX नाम आ जाता है एनवीडिया में, वो सारे के सारे बेसिकली एनवीडिया ने गेमिंग के लिए निकाले हुए ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। तो जो GTX 1080 है, इसका जो Ti वर्जन है वो GTX 1080 से भी ज्यादा पावरफुल है। तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ये 20,000 से 30,000 के बीच में आता है। और वो लोग जिनको जानना है कि हम कहां तक जा सकते हैं ग्राफिक कार्ड खरीदने में, तो ग्राफिक कार्ड्स 5-5 लाख तक आते हैं। एनवीडिया का ही GTX टाइटन XP लगभग 2.5 लाख का आता है। ये GTX टाइटन XP एक्चुअली सर्वर बेस्ड GPU है और ये उन कंप्यूटर्स में काम आता है जहां पे आपको एक GPU से बहुत सारे अलग अलग सिस्टम चलाने होते हैं वर्चुअल मशीन बना के और उन पे गेमिंग करनी होती है। तो ये एक GPU ही बहुत सारे कंप्यूटर्स पे एक साथ गेमिंग करवा सकता है आपको। तो ये बात हो गई अपने बहुत ही ज्यादा हाई एंड गेमर्स के लिए। आपको अगर लग रहा है कि मैंने AMD के बारे में नहीं बताया, तो आप ध्यान दे रहे होंगे बगल में AMD के भी रिकमेंडेशंस आ रही हैं। पर मैं AMD के बारे में ऐसा नहीं है वो गंदा है या बुरा है, पर मुझे NVIDIA के बारे में ज्यादा जानकारी है, इसलिए मैं NVIDIA के बारे में बता रहा हूँ। AMD और NVIDIA में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैन्युफैक्चरर्स का डिफरेंस है। हाँ, ये रहता है AMD के सेम प्राइस रेंज में थोड़े सस्ते ग्राफिक कार्ड्स होते हैं NVIDIA से, परफॉर्मेंस हमेशा आपको NVIDIA में ज्यादा मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं जो ग्राफिक कार्ड में लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं इस मामले में, वो ये है कि VRAM कौन सी चूज करी जाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको बगल में दिख रहा है एक ग्राफिक कार्ड जिसमें GDDR3 मेमोरी है और एक दिख रहा है जिसमें GDDR5 मेमोरी है। अब इसमें से आप कौन सी चूज करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे GTX 1050 में, जैसे GTX 1050 Ti में 2GB GDDR5 ग्राफिक कार्ड जो GDDR5 VRAM है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक GT640 या GT710 की जिसमें 2GB या 4GB DDR3 होती है, तो GTX 1050 Ti अगर सिर्फ 1GB DDR5 RAM के साथ भी होता ना तो भी इसको आउट परफॉर्म कर देता। इससे बहुत ज्यादा फास्ट होता है नॉर्मल वर्किंग में भी। इसीलिए कभी भी ग्राफिक कार्ड लेने जाए तो GDDR5 वाला ही ले। DDR3 बहुत पुरानी हो चुकी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये सिर्फ वीडियोस देखने के काम आएगी। गेमिंग आप इस पे भूल जाइए। इस समय के पुराने गेम्स खेल सकते हैं, इस समय के गेम्स भूल जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।